नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बीते कुछ वक्त में जिस तरीके की गोदी मीडिया चैनल्स पर कार्रवाई की गई है माननीय न्यायालय द्वारा, पुलिस द्वारा, वो ये बात दर्शाता है कि हमारे देश में मीडिया का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है। अब इस बात में कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिबेट्स बहस करने की ज़रूरत नहीं है। स्तर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हालत यह है कि पत्रकार, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, जिनका काम होता है खबरों की तलाश करना, सच्ची सच्ची खबरें, नई खबरें जनता के सामने रखना, आज वो खुद ही कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, खुद ही कटघरों में खड़े होकर अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं जज के सामने, पूरी जनता के, देश की जनता के सामने। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि कैसे एक नेशनल न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ को ये दिल्ली हाई कोर्ट ने वार्निंग दी है, या आप कह लीजिए लास्ट चांस दिया है कि वो जल्दी से जल्दी कोर्ट को ये बताएं कि उनके सोर्सेस क्या हैं जहाँ से वो खबर लाते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, सूत्र क्या हैं। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, कि सूत्रों के हवालों से, सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि आप हमें अपने सूत्र बताइए कि आखिर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है। इस पूरी खबर की जो तार जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं सीधा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, जब हिंसा हुई थी पुलिस और छात्रों के बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। जब एक 24 साल के छात्र को अरेस्ट किया जाता है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि उस पर ये आरोप होता है कि उसने दिल्ली दंगे भड़काए थे, तो उस छात्र की जो बयान थे, जो कन्फेशन था, वो पुलिस ने भी दर्ज नहीं किया था, पुलिस ने भी कन्फेस नहीं करवाया था। उससे पहले जी न्यूज़ चैनल ने अपने शो में चला दिया था, इन पत्रकार भाई ने अपने चैनल पर चला दिया था, और इन्होंने यूँ कहा था कि सबसे पहले आप हमारे चैनल पर देखिए कि उसने अपने कन्फेशन में क्या कहा है। इसके बाद ये बात जब कोर्ट में जाती है और वो 24 साल का छात्र याचिका दायर करता है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो कोर्ट जी न्यूज़ को और इन पत्रकार भाई को एक बहुत तेज थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी की इजाज़त के बिना उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो बातें हैं, पूरे देश की जनता के सामने रखते हैं। एक तरीके से उस पूरी वीडियो में, मैं आपको आगे वीडियो भी दिखाऊंगा, आप वो वीडियो ध्यान से सुनिएगा, उस वीडियो में किस तरीके से उस 24 साल के छात्र का जो पूरा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वो देश की जनता के सामने रख दिया था, जब तक उसका कन्फेशन भी दर्ज नहीं किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली दंगों का हर सच जी न्यूज लगातार आपके सामने लाता रहा है। इसी कड़ी में जी न्यूज ने एक और बड़ा खुलासा किया। ये खुलासा दिल्ली दंगों से पहले जामिया इलाके में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसके एक आरोपी का कबूलनामा आज हमें मिल गया है। आसिफ इकबाल नाम के इस आरोपी ने दिल्ली पुलिस की जांच में जामिया हिंसा का पूरा सच बताया है। आपको याद होगा फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की स्क्रिप्ट तभी लिखी जा चुकी थी जब इससे 2 महीने पहले जामिया इलाके में हिंसा हुई थी। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई हिंसा नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हुई थी, और इसमें आपको याद होगा सबसे पहले जामिया के इलाके में ही कई सरकारी बसों को जलाकर हिंसा फैलाई गई थी। उसी समय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस आसिफ इकबाल का कबूलनामा हमें मिला है उसने दिल्ली पुलिस को दिया अपने बयान में कहा है कि उसने खुद जामिया इलाके में बसों में आग लगाई और हिंसा भड़काई। ये आरोपी खुद जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक संगठन का सदस्य है। इस आरोपी के मुताबिक जामिया में हिंसा फैलाने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई थी। नागरिकता कानून के विरोध में पहले 12 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया से संसद तक मार्च निकालने का ऐलान हुआ, जिसे पुलिस ने रोक दिया था और लाठीचार्ज किया था। इसके 3 दिन बाद इन लोगों ने एक और मार्च निकाला जिसे गांधी पीस मार्च नाम दिया गया, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं नाम रखने में, शानदार नाम रखने में ये लोग बड़े माहिर हैं। गांधी पीस मार्च नाम रख दिया, और उस पीस मार्च में क्या हो रहा है ये हो रहा है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये पीस मार्च का नतीजा है। उस पीस मार्च में, शांति मार्च में आगजनी होती है, दंगे फैलाए जाते हैं, लोगों को भड़काया जाता है। इन विरोध प्रदर्शनों को पीएफआई जैसे इस्लामिक संगठनों से फंडिंग मिलती है। खुद आसिफ इकबाल ने पुलिस को बयान में कहा है कि उसके साथ के लोग देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, और उसके इस्लामिक संगठन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर वो खुद दिल्ली से बाहर कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, पटना, कोटा और अहमदाबाद जैसे कई शहरों में भड़काऊ भाषण देने के लिए गया था। उसने क्या बताया है मैं आपको उसी के बयान का एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। शाहीनबाग और जामिया यूनिवर्सिटी में हुए सीएए व एनआरसी प्रोटेस्ट की सफलता से हौसला पाकर जेसीसी मेंबर्स ने दिल्ली में दूसरे मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी प्रोटेस्ट की शुरुआत करने का प्लान बनाया, ऐसा उसने लिखा है। हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हमने मुस्लिम बाहुल इलाकों में ही प्रोटेस्ट करने हैं, क्योंकि मुसलमानों में ही सीएए, एनआरसी और एनपीआर के प्रति काफी रोष था, जिसे हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना था। इस आंदोलन के कई चरण थे जो हमने पहले से तय किए हुए थे, जिनमें पहला चरण प्रोटेस्ट, दूसरा रोड ब्लॉक, तीसरा चरण दंगे का था। इसकी प्लानिंग हमने पहले से कर ली थी, जिनके लिए हमने मुस्लिम बाहुल इलाकों को चुना, जो दिल्ली में लगभग 20 अन्य जगहों को चुनकर वहां पर सीएए के प्रोटेस्ट चालू कराए गए। और फिर आगे इसमें लिखा है कि मुझे किन किन इलाकों का जिम्मा सौंपा गया, मैं उन इलाकों में गया, मैंने उन इलाकों में लोगों को भड़काया और बताया कि आप सड़क पर बाहर निकलिए। और आगे ये भी लिखा है कि पार्टी फंड जुटाने के नाम पर और अपने पर्सनल खर्चों के नाम पर हमने काफी पैसा इकट्ठा किया था, फिर उसने ये बताया वो पैसा कैसे उन्होंने बांटा। उपरोक्त पैसों को मैंने 24 और 25 फरवरी 2020 में हुए दंगों को भड़काने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में बांटा था, यानी पैसा भी इसने बांटा है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म के नाम पर कैसे दंगे फैलाए जाते हैं और कैसे चाहे वो लिटिगेशन करने वाली, याचिका दायर करने वाली ये एनजीओ हो या फिर ये लोग, ये सब एक ही टीम में खेलते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विभू बगरू के अंडर ये पिटीशन सुनी जा रही है, जो कि एक 24 साल के आसिफ इकबाल तना नामक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र ने दायर की थी। इस पिटीशन में उन्होंने कई तरीके की बड़ी बातें कही हैं,
उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग को लेकर भी बात कही है। ये बात हैरानी में जब आई जब दिल्ली पुलिस ने खुद ही इनकार कर दिया कोर्ट में कि उनकी तरफ से, उनके अफसरों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की गई है इस छात्र को लेकर। तो आखिर जब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है तो इस न्यूज़ चैनल के पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से, ये बात सोचने की है। इसके बाद जो पिटीशन दायर की गई थी उस 24 साल के जामिया के छात्र द्वारा, उसने अपने पिटीशन में कहा कि जिस तरीके की न्यूज़ रिपोर्टिंग की गई है उसके नाम को लेकर और जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन पेश की गई है उस पर ये आरोप लगाया है कि उसने दंगे भड़काए थे, उसने सांप्रदायिक माहौल बनवाया था, हिंदू मुसलमानी दंगे लड़ाई करवाई थी, उससे वो बहुत दुखी है। इसके बाद वो सीधे तौर पर ये भी कहता है अपने पिटीशन में कि उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती प्रेशर डाला गया था कस्टडी में जब वो था, ताकि पेपर्स पर साइन करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती से पेपर पर साइन करवाया गया था उस 24 साल के छात्र से जब वो कस्टडी में था। इसके बाद जो एडवोकेट विजय अग्रवाल हैं जो जी न्यूज़ की वकालत कर रहे हैं उस दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि जर्नलिस्ट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का संवैधानिक अधिकार है, वो अपनी बात को रख सकता है पूरे देश के आगे। जिसके बाद जस्टिस विभू बकरू ने एक बहुत ज़ोरदार फटकार लगाई एडवोकेट विजय अग्रवाल को भी और जी न्यूज़ को भी। उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकें, सीधे तौर पर किसी के ऊपर आरोप लगा सकें, और पुलिस अभी इस मामले में खुद ही जब इंक्वायरी कर रही है, आपके पास कौन सा संवैधानिक अधिकार होता है भाई कि आप किसी के भी डॉक्यूमेंट निकाल कर, इन्फॉर्मेशन निकाल कर पूरे देश की जनता के सामने रख देंगे। इसके बाद अग्रवाल फिर अब बात रखते हैं कि पूरी दुनिया के जितने जर्नलिस्ट हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, वो डॉक्यूमेंट निकालते हैं किसी तरीके से और देश की जनता के सामने रखते हैं, जिस पर उसके बाद जस्टिस फिर से फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि एक पत्रकार होने के नाते आपने एक डॉक्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट किया है एक अलग ही लेवल पर, आपने एक अलग तरीके की रिपोर्टिंग की है, एक ऐसी रिपोर्टिंग की है जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और चार्जशीट फाइल होने से पहले तो एक्यूज जो है, जो अपराधी है, उसे भी अधिकार नहीं है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सके। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि कन्फेशनल, किसी भी अपराधी की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पब्लिक में नहीं जा सकती, पब्लिश नहीं की जा सकती, और क्या आपके एडिटर को इतना भी नहीं पता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या आपके एडिटर को इतना भी नहीं पता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं था, आप कुछ भी एफिडेविट लगाइए, कुछ भी करिए, हमें नहीं पता, मगर हमें 23 तारीख पे जब ये दोबारा हियरिंग है इस पिटीशन की, तो हमें ये जानना है कि आपके सूत्र कौन से हैं, आपके सोर्स कौन से हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तना जो है, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने अपने पिटीशन में क्या क्या दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ रिपोर्टिंग में दिखाई गई हैं उसने ये वॉलेंटरीली नहीं दी थी, अपनी मर्जी के हिसाब से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए सबूतों के तौर पर ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने इन सारी स्टेटमेंट्स को मीडिया में लीक करवाया है ताकि उसके ऊपर 24 साल के वो जो जामिया का छात्र है उसको और किसी तरीके से फंसाया जाए। तो 23 तारीख को पता लग जाएगा, हमारे सामने बात आ जाएगी कि आखिर जी न्यूज़ के वो कौन से सूत्र हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से इन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ज़रूरी है कि 23 तारीख को अगर ये नहीं बताते हैं, कोई बहाना लगा देते हैं, तो आगे ज़रूर पूछा जाए, हाई कोर्ट अपना ये रवैया जो है, बर्ताव है, उसे कायम रखे, क्योंकि आखिर पूरे देश की जनता को ये पता तो होना चाहिए कि वो कौन से सूत्र हैं भाई, वो कौन से सोर्सेज हैं, कौन से लोग हैं, कौन सी एजेंसीज हैं जहाँ से इन गोदी मीडिया चैनल्स को ये सारी बड़ी बड़ी झूठी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, और ये फिर उस इन्फॉर्मेशन को जनता के सामने खूब अच्छे बन ठन के बताते हैं। जब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।